हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल दुनिया। डिजिटल दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी ही उपयोगी जानकारी आपके सम्मुख लेकर के आया हूं। अगर आपने मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखा और ध्यानपूर्वक जिस जिस प्रकार के यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार अगर आपने अपना फॉर्म 10E और अपना ITR1 फाइल किया तो निश्चित ही मान के चलिए आपको न्यूनतम 5,000 से लेकर के 25,000 तक की टैक्स छूट मिल सकती है। जो आपने इस वित्तीय वर्ष में टैक्स पेड किया है उसकी आपको अवश्य छूट मिलेगी। सेक्शन 89(1) या फॉर्म 10E, यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है, सेक्शन 89(1), इसके बारे में आपको मैं जानकारी यहाँ पर दूंगा। तो मेरे साथ बने रहिएगा शुरू से अंत तक। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को अवश्य क्लिक करें और उसके सम्मुख बने बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसी उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने सबसे पहले पहुंचे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो देखिए, यहाँ पर हम शुरू करते हैं। हमारा सेक्शन 89(1) क्या है और फॉर्म 10E क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने ITR1 भरने से पहले ये फॉर्म फिलअप कर लिया तो निश्चित ही आपको बहुत ही बड़ा लाभ, आर्थिक लाभ मिलेगा। तो निश्चित ही आप मेरे साथ बने रहिए, शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम जानते हैं कि फॉर्म 10E क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ वेबसाइट में indiaefilings.com फॉर्म 10E के बारे में। तो यहाँ पर देखिए फॉर्म 10E क्या होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो आप एक चीज जानते होंगे कि आपको इस वर्ष 7th पे कमीशन का एरियर अवश्य मिला होगा, या किसी भी अन्य प्रकार का एरियर कभी भी अगर आपको मिलता है तो आपको उसमें एक बहुत बड़ी छूट मिलती है। तो वो छूट किस प्रकार से मिल सकती है? आपका इस साल जो एरियर है उस एरियर के आधार पे आपकी टोटल इनकम बढ़ गई होगी। तो फॉर्म 10E क्या कहता है, देखिए, रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1) एन इंडिविजुअल टैक्स लाइबिलिटीज फॉर अ फाइनेंशियल ईयर आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द इनकम दैट दे अर्न ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर ईयर। एट टाइम्स सच इनकम्स कुड इंक्लूड द एरियर्स और द पास्ट ड्यूज पेड इन द करेंट ईयर। तो यहाँ पर देखिए, बहुत बड़ा आर्टिकल है, आपको इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी बनती है वो किस पर बनती है, इस वर्ष आपको कितना, आपकी साल भर की आय क्या है। लेकिन कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि हमें पिछले वित्तीय वर्षों का भी यहाँ पर हमें एरियर के रूप में हमारी आय जो होती है वो बढ़ जाती है, और पहले की हमारी आय उस टैक्स स्लैब के अनुसार होती है और आज की आय में काफी अंतर हो जाता है। जैसे मान के चलिए आप 2016 में अगर आपको 7वें वेतन आयोग का एरियर मिल गया होता तो उस समय शायद आप 10% के स्लैब में होते, जो कि अब तो समाप्त हो गया है, अब तो 5% का न्यूनतम स्लैब है। और अभी आप वर्तमान में अगर आपकी सैलरी तब से बढ़ करके आप 20% के स्लैब में आ गए हैं तो निश्चित मान के चलिए कि जो ये एरियर आपको मिल रहा है इस साल, इस एरियर में आपको अनावश्यक टैक्स देना होगा। तो ये हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी जानता है कि आपको एरियर उस समय नहीं मिला, हो सकता है कुछ गवर्नमेंट की दिक्कत रही हो, फाइनेंशियल या कोई अन्य कारण रहे हो। अगर आज आपको एरियर मिल रहा है तो आपसे यह जो अधिक एरियर लिया जा रहा है, इसमें जो टैक्स लिया जा रहा है, वो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वापस भी करता है, लेकिन बशर्ते आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके सम्मुख यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। इस वीडियो में शुरू से अंत तक अवश्य बने रहिए और मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले देखिए, सेक्शन 89(1) के बारे में हमने बात की। तो हमें इस साल की जो आय है उसके अतिरिक्त अगर हमें पिछले वर्ष की भी हमारी कोई अगर एरियर के रूप में आय इस वर्ष प्राप्त होती है तो उसके लिए हमें सेक्शन 89(1) राहत प्रदान करता है। और इसके लिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, हमें सबसे पहले फॉर्म 10E भरना पड़ता है। ITR फाइल करने से पहले फॉर्म 10E हमको अवश्य फिलअप करना पड़ेगा। कैसे हम फॉर्म 10E फिल करेंगे और कैसे हम इस सेक्शन 89(1) के अंतर्गत छूट प्राप्त करेंगे, इसके बारे में आइए जानते हैं। देखिए, पुनः आपसे मैं यहाँ पर एक जानकारी साझा करना चाहूँगा कि सेक्शन 89(1) क्या है। तो रिलीफ ऑफ सैलरी टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन योर टोटल इनकम, आपकी कुल आय पर टैक्स की गणना की जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारी जो इस वर्ष की आय है उसमें पिछले वर्ष की आय भी या एरियर के रूप में आय भी जुड़ जाती है। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से हम दो स्टेप्स में अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें कितने की छूट सेक्शन 89(1) के तहत मिल सकती है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट क्या करेंगे, टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग एरियर्स। सबसे पहले तो हम एरियर को जोड़ करके
अपने आय की गणना करेंगे। उसके बाद दूसरा जो स्टेप होगा, हम अपनी आय में एक्सक्लूड करेंगे किस चीज़ को, एरियर को, एरियर को हटा करके आय की गणना करेंगे। तो इस प्रकार से आपका जो कैलकुलेट डिफरेंस आएगा बिटवीन वन एंड टू, यानी कि एरियर को जोड़ने के साथ और एरियर के बिना जो हमारा डिफरेंस आएगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, उस डिफरेंस को यहाँ पर फॉर्म 10E में फाइल करेंगे। तो तब हमें सेक्शन 89(1)(a) की छूट मिलेगी। तो सबसे पहले हमें फाइल करना होगा फॉर्म 10E। तो किस प्रकार से हम फॉर्म 10E साइन करेंगे, उसको फिलअप करेंगे, तो उसके लिए आइए आपको ले चलता हूँ इनकम टैक्स की साइड में। सबसे पहले यहाँ पर हम इनकम टैक्स की साइड में जाएंगे, इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग। अगर आप ये टाइप नहीं करना चाहते तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो में नीचे दे दे रहा हूँ, आप उसमें क्लिक करके भी सीधे यहाँ पहुँच सकते हैं। और साथ ही आपको फॉर्म 10E में सीधे जाने के लिए भी मैं आपको एक लिंक यहाँ पर नीचे आपके सम्मुख दे रहा हूँ, उसमें भी आप क्लिक करके सीधे फॉर्म 10E के लिए आप उस साइट में जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे इसमें गए, सबसे पहले आप जानते ही हैं ITR1 कैसे फाइल करना है। अगर आपको ITR फाइल करने में कोई दिक्कत आती है तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, हाउ टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न 2019 का ITR1 कैसे फाइल करें, तो उसका लिंक नीचे वीडियो में दिया गया है। उसका वीडियो का जो लिंक है आप उसमें क्लिक करके सीधे वहां पर जा सकते हैं। और आप इस वेबसाइट में कैसे रजिस्टर करेंगे, इसके लिए भी एक वीडियो का लिंक मैं आपको सम्मुख यहाँ पर नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो आप उन लिंकों के माध्यम से भी सीधे आप इन वेबसाइट्स में जा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं मान के चल रहा हूँ आपको सिंपली ITR भरना आता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे कैपिटल में। यहाँ पर हम अपना पैन नंबर डालेंगे, उसके बाद पासवर्ड और यहाँ पर कैप्चा कोड दिया गया है। जैसे ये डिटेल डाली हमने, लॉगिन में क्लिक किया, सबसे पहले हमें इस वेबसाइट में लॉगिन करना होगा, इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट में। इसके बाद देखिए, यहाँ पर लॉगिन करने के बाद हम यहाँ पर इनकम टैक्स इंडिया के होम पेज पर आ गए। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए किस प्रकार से हम सेक्शन 89(1) को फिल करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पर देखिए कहाँ पर आपको इस सेक्शन का लाभ लेना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा, हमने सबसे पहले देखिए पैन नंबर ऑटोमेटिक आ गया है। यहाँ पर हमने असेसमेंट ईयर सेलेक्ट किया, ITR फॉर्म सेलेक्ट किया और फाइलिंग टाइप ओरिजिनल और रिवाइज रिटर्न, सबमिशन मोड प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन। तो कंटिन्यू करने के बाद अब हम देखिए सीधे ही हमारे इनकम टैक्स इंडिया की जो वेबसाइट है उसमें यहाँ पर ITR1 सहज जो फॉर्म है उसको भरने की प्रोसेस है। तो यहाँ आप जानते होंगे, अगर आप इस फॉर्म को भरने में कोई दिक्कत महसूस करते हैं तो नीचे लिंक में दिए गए हाउ टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न ITR1 फॉर असेसमेंट ईयर 2019-20, तो उसमें क्लिक करके आप सीधे ITR फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो मैं महत्वपूर्ण बात बता रहा था सेक्शन 89(1)(a), तो वो देखिए यहाँ पर हम कहाँ पर उसको फिल करेंगे, जो टैक्स डिटेल्स हैं, इससे पहले कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी डिटेल्स जो हम फिल करते हैं, यहाँ पर हम फिल करेंगे। और जो ये सेक्शन अभी मैं आपसे बात कर रहा था 89(1), उसका देखिए यहाँ पर दिया गया है सबसे अंत में रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1). तो यहाँ पर उस अमाउंट को हम फिलअप करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने जो फॉर्म 10E फिल करना था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप, रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1), उसको हम यहाँ पर उस अमाउंट को फिल करने से पहले हम अपना फॉर्म भरेंगे ITR1 भरने से पहले फॉर्म 10E। तो एक बार देखिए एग्जाम्पल मैं आपको दिखा भी दूं। जैसे सपोज कीजिए, मान लिया यहाँ पर आपकी इनकम है 8 लाख रुपए इस वर्ष, और आपकी जो इस वर्ष की बचत है यहाँ पर आपने 1.5 लाख रुपए। तो देखिए अन्य चीजों पर अभी हम नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए टोटल आपका जो टैक्स बनता है 47,753। लेकिन अगर आपको इस सेक्शन के तहत छूट मिलनी है, कितनी मिलनी है ये अभी आपको मैं एक उदाहरण के द्वारा बताऊंगा। तो यहाँ पर हम मान लिया 10,000 रुपये की हमें छूट मिलती है, तो जैसे ही हम यहाँ पर 10,000 रुपये भरेंगे तो यहाँ पर 47,000 की जगह हमारा जो टैक्स कैलकुलेट होके आ गया 36,948।
तो यहाँ पर कौन सी अमाउंट भरनी है और इस अमाउंट को भरने से पहले हमें क्या करना है, तो आइए उस पर जाते हैं। तो देखिए, इसी में सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पर हमारे डैशबोर्ड में, और यहाँ देखिए दोस्तों, जो पहला, दूसरा और यहाँ पर तीसरा टैब है ई फाइल। तो जैसे ही हम यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरे टैब में ई फाइल में जैसे ही कर्जर ले जाएंगे, तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर आ रहा है इनकम टैक्स फॉर्म, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए फॉर्म नेम सेलेक्ट करना है, तो सबसे महत्वपूर्ण है, देखिए यहाँ बहुत सारे फॉर्म आएंगे क्लिक करते ही, देखिएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, दसवां, ग्यारहवां, बारहवें नंबर पे देखिए फॉर्म नंबर 10E, फॉर्म फॉर रिलीफ अंडर सेक्शन 89 यहाँ पर दिया गया है, तो इसमें हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर किस साल का हम सबमिशन मोड, तो इस साल हम अगर ITR अभी फाइल करना है हमें, तो उसके लिए 2019-20 यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। और सबमिशन मोड जैसा कि ITR भरते समय करते हैं, प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन। इसको करने के बाद जैसे ही हमने यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक किया, तो हमारे सामने आ जाएगा फॉर्म 10E। पुनः आपको याद दिलाऊंगा कि आप ध्यान रखिएगा, ITR फाइल करने से पहले आपको ये फॉर्म भरना है, तो कहाँ से भरना है, ई फाइल में जाकर के इनकम टैक्स फॉर्म, और यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है फॉर्म 10E। उसके बाद हम अंडर सेक्शन 89(1)(a) के तहत छूट ले सकते हैं, लेकिन ये फॉर्म भरना बहुत ही आवश्यक है। तो देखिए यहाँ पर कुछ साधारण निर्देश दिए गए हैं, वही जैसा कि ITR भरते समय होता है, बैक बटन न दबाएं, रिफ्रेश बटन न दबाएं, बैक स्पेस न दबाएं। इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद अब हम आते हैं फॉर्म 10E पर। तो जैसे ही हम यहाँ पर फॉर्म 10E में क्लिक करेंगे, तो हमारे सामने सारी डिटेल्स ऑटोफिल होती है, ये पहले से यहाँ पर भरी हुई रहती है क्योंकि हम अपनी वेबसाइट में लॉगिन है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बहुत सारे एनेक्जर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, सेकेंड ए, थर्ड और एनेक्जर फोर यहाँ पर अलग अलग हैं। तो हमें देखिए एनेक्जर फर्स्ट में क्लिक करना है। एनेक्जर जो सेकेंड है, एनेक्जर सेकेंड होता है ग्रेच्युटी के लिए, एनेक्जर सेकेंड ए भी हमें हमारा होता है ग्रेच्युटी के लिए, एनेक्जर थर्ड अगर हमारी इनकम हुई है कंपनसेशन से तो उसके लिए, और एनेक्जर फोर हमारा यहाँ पर देखिए ये होता है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। तो हमें सेकेंड, सेकेंड ए, थर्ड और फोर्थ से कोई यहाँ पर मतलब नहीं है, हम अभी बात कर रहे हैं जो आय हमारी इस साल हुई है पिछले वर्ष से, पिछले विगत वर्षों की किसी भी वर्ष की हो सकती है एरियर की आय, तो उसको हम यहाँ पर फिल करेंगे एनेक्जर फर्स्ट में। तो सबसे पहले यहाँ पर इंस्ट्रक्शन हमने देख लिए हैं। अब उसके बाद फॉर्म 10E, फॉर्म 10E में देखिए सारी डिटेल्स खुद आ रही हैं। यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है एक रेजिडेंशियल स्टेटस, तो यहाँ पर मैं रेजिडेंट कर दे रहा हूँ यानी कि निवासी। और उसके बाद यहाँ पर एक प्लेस फिल करना है, सबसे पहले हमें मान लिया हमने यहाँ पर फिल कर दिया प्लेस। अब यहाँ पर देखिए जो महत्वपूर्ण चीज है एनेक्जर से, जैसा कि अभी मैंने यहाँ बताया आपको, देखिए एनेक्जर फर्स्ट, सेकंड, सेकंड ए, एनेक्जर थर्ड, फोर्थ आदि दिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे एनेक्जर फर्स्ट। तो जैसे ही हमने एनेक्जर फर्स्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम गए टैब में। अब यहाँ पर देखिए टोटल इनकम, तो दोस्तों इसके लिए मैंने बहुत ही बढ़िया आपके सम्मुख टेबल बनाई है, यहाँ पर देखिए इसको। यहाँ पर देखिए 2016 में और 2019 में जो आय का अंतर है, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, 2016 में माना हमने यहाँ पर आपकी कुल आय है 5 लाख रुपए और आपके एरियर से जो आय है 1 लाख रुपए, तो आपकी टोटल जो इनकम होगी उस साल कितनी होगी, 6 लाख रुपए। और हम मान के चलते हैं कि हमारी बचत है 1.5 लाख रुपए, तो जो अब टैक्सेबल इनकम बचेगी वो होगी 4,50,000 रुपए। तो जैसा कि टैक्स स्लैब आप जानते हैं, आपके सम्मुख यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, 2016-17 में यहाँ टैक्स स्लैब क्या था, 2.5 लाख रुपए तक नील, 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक 10%, यहाँ पर देखिए, और 5 लाख से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ऊपर 30%। तो इस स्लैब के अनुसार देखिए पुनः हम अपनी कैलकुलेशन में जाते हैं, 2016 में हमारी जो टैक्सेबल आय बचत के बाद बच रही है 4,50,000। तो जैसा कि स्लैब में अभी हमने देखा 2.5 लाख रुपए तक हमें कोई टैक्स नहीं पड़ना है, और 2.5 लाख से 4.5 लाख तक जो 2 लाख रुपए का यहाँ पर डिफरेंस है, 2.5 लाख और 4.5 लाख का अंतर, उस 2 लाख रुपए का 10% जो कि उस समय का टैक्स स्लैब भी यहाँ पर हमें बताता है 10%, यानी कि यहाँ पर हमारा जो टैक्स बनेगा 20,000 रुपए, टोटल कैलकुलेटेड टैक्स 20,000। अब देखिए दोस्तों आज की डेट में 3 साल बाद अगर मैं अपनी आय की गणना करूं, तो ये निश्चित मान के चलिए अगर 2016 में आपकी आय 5 लाख रुपए थी, तो वर्तमान में आपकी आय 8 लाख के आसपास होगी, और उस एरियर को जो एरियर हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था
उसको हमने यहाँ पर देखिए ऐड किया है। तो मान लिया इस वर्ष की आपकी आय है 8 लाख और एरियर मिला आपको 2016 का 1 लाख रुपए, तो टोटल आपकी इनकम हुई 9 लाख। इसी उदाहरण की तरह यहाँ पर हम अपनी बचत यहाँ पर माइनस करेंगे, सेविंग 1.5 लाख रुपए की, तो टैक्सेबल इनकम जो आई 6,50,000 रुपये। अब देखिए पुनः जो हमारा टैक्स स्लैब होता है यहाँ पर आपके सम्मुख, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, तो 2018-19 में टैक्स स्लैब देखिए, पहली चीज वही है, नो टैक्स फॉर इंडिविजुअल्स विद इनकम लेस देन 2,50,000, यानी कि 2.5 लाख रुपए तक यहाँ पर भी कोई टैक्स नहीं है। लेकिन अब कुछ चेंजेज हो गए हैं। दूसरा जो स्टेप है, 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए की जो आय होगी उस पर 5% का टैक्स पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हमने कैलकुलेट किया है, 2.5 लाख रुपए से 5 लाख तक जो टैक्स आएगा 5% की दर से 12,500 रुपये। और जो दूसरा स्लैब है यहाँ पर हमारा, दूसरा स्लैब है 20% का, ये है 5 लाख टू 10 लाख। तो इस स्लैब के अनुसार हमारी जो शेष आय बचती है 5 लाख से ऊपर, यानी कि 1.5 लाख रुपए, उसका 20% 30,000। तो टोटल जो टैक्स अभी हमें इस वर्ष एरियर जोड़ करके कैलकुलेट होगा 42,500। अब देखिए दोस्तों, अगर ये एरियर हमें ना मिले, इस एरियर की गणना हम ना करें, तो यहाँ पर देखिए दूसरी टेबल में 2016 की बात करें, तो 5 लाख की इनकम और हमारी जो कैलकुलेशन हो रही है यहाँ पर, टैक्स कैलकुलेट होकर के आ रहा है, देखिए 5 लाख में से 1.5 लाख की बचत, 3.5 लाख टैक्सेबल इनकम, और यहाँ पर 2.5 लाख तक नील टैक्स स्लैब अभी हमने देखा था, 2.5 लाख से 3.5 लाख जो 1 लाख रुपए है उसका 10%, 10,000 रुपये हमें यहाँ पर टैक्स पड़ता अगर हम उस एरियर को कैलकुलेट यहाँ पर ना करते। जीरो दिखाया है एरियर देखिए। और 2019 में इस वर्ष देखिए, मैंने कहा था हमारी इनकम है 8 लाख और एरियर जो है, एरियर यहाँ पर कितना है हमारा, जीरो, कोई एरियर हमें इस साल नहीं मिला मान लिया विगत वर्षों का। तो हमारी आय बचती 8 लाख रुपए, सेविंग 1.5 लाख रुपए, टैक्सेबल इनकम 5,50,000। तो देखिए टैक्स स्लैब के अनुसार हमारी जो 2.5 लाख रुपए तक की टैक्स स्लैब जो था उसके अनुसार यहाँ पर लाइबिलिटी निल, और उसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख तक वही 5% के हिसाब से 12,500, 5 लाख से 5.5 लाख का जो डिफरेंस होता है इसका जो हमारा 20% होता है ये 10,000। तो टोटल टैक्स जो हमें पड़ता 22,500 रुपये। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें टैक्स पड़ रहा है 42,500 और यहाँ पड़ रहा है 22,500 रुपये। तो ये जो डिफरेंस है 42,500 और 22,500, यानी कि 20,000 का, और यहाँ देखिए कितना अंतर होता है। यहाँ अगर हमें एरियर की हम गणना न करें तो यहाँ पर 10,000 और यहाँ पर 20,000, तो यहाँ डिफरेंस है 10,000 का और यहाँ पर है 20,000। तो इसी प्रकार से आपकी आय के अनुसार ये बहुत बड़ा डिफरेंस भी हो सकता है। तो कैसे हम इसको फिल करेंगे देखिए, आइए देखते हैं फॉर्म 10E में। तो यहाँ पर देखिए फॉर्म 10E में जैसा कि हमने उदाहरण से लिया था, देखिए यहाँ पर पहले, सबसे पहले हम भरेंगे नंबर 1 टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग सैलरी रिसीव्ड इन एरियर्स और एडवांस। तो इस साल की देखिए, अभी हमने टैक्स कैलकुलेशन की थी, तो इस साल की जो हमारी आय थी वो थी 8 लाख रुपए, और विदाउट टैक्स वाली बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने फिट किया 8 लाख रुपए। और यहाँ दूसरे नंबर पर देखिए सैलरी रिसीव्ड इन एरियर्स और एडवांस, और सैलरी हमें मिली थी उदाहरण में अभी हमने देखा था, हमने यहाँ पर सैलरी हमें जो एरियर के रूप में मिली हुई है वो है 1 लाख रुपए। तो यहाँ पर हम जो दूसरा कॉलम है उसमें यहां पर हम करेंगे 1 लाख रुपए ऐड। अब देखिए टोटल टोटल टैक्स टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर आइटम 1 और यहां पर टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर आइटम 3। तो यहां पर देखिए 9 लाख रुपए की जो आय थी उस पर हमने यहां पर टैक्स कितना दिया, यहां पर हमने दिया 42,500 रुपये, 42,500। और देखिए अगला टैब क्या कहता है, टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर आइटम 1, और अगर हमने केवल बिना एरियर की जो आय दिखाई उस पर यहाँ पर टैक्स कितना दिया, देखिए यहाँ पर बिना इस वर्ष की जो हमारी आय है एरियर की गणना के बिना हमारा है 22,500 रुपये। तो यहाँ पर जो हमारा इस वर्ष का एरियर है ये है, इस वर्ष की आय का टैक्स बिना एरियर के 22,500 रुपये। यहाँ पर ये डिटेल हमने फिल अप कर दी। अब देखिए यहाँ पर एक पुनः है दूसरी टेबल ए के बारे में, एनेक्जर फर्स्ट, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे, प्रीवियस ईयर जिस साल का एरियर था। तो जैसा कि अभी हमने देखा एरियर था 2016-17 का, तो उसको यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे, और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर
देखिए हम आगे बढ़ते हैं, टोटल इनकम ऑफ द रिलीवेंट प्रीवियस ईयर, तो उस साल की टोटल इनकम, तो उस साल की टोटल इनकम यहाँ पर देखिए हमारी कितनी थी, 5 लाख रुपए। तो यहाँ पर हम 5 लाख रुपए ऐड करेंगे और यहाँ पर कर रहा है सैलरी रिसीव्ड इन एरियर्स और एडवांस रिलेटिंग टू द रिलीवेंट ईयर। तो यहाँ पर सैलरी थी 1 लाख रुपए, एरियर जो था हमारा 1 लाख यहाँ पर भी था और वहाँ पर भी। उसके बाद देखिए जो अगला कॉलम है उस कॉलम में ये कहता है टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर कॉलम टू, यानी कि इसके अनुसार हमें टैक्स कितना पड़ता, यानी कि जैसा कि मैंने आपको कैलकुलेशन दिखाई थी, अगर हम यहाँ पर एरियर काउंट नहीं करते हैं तो हमारा जो यहाँ पर टैक्सेबल इनकम, यहाँ पर टैक्स है देखिए 10,000 रुपये। तो यहाँ पर हम फिल करेंगे 10,000 रुपये। और यहाँ अगला कॉलम जो कहता है टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर कॉलम फोर, तो इसके अनुसार जो हमारी यहाँ पर टैक्स लाइबिलिटीज थी देखिए एरियर जोड़ने के बाद 20,000, उसी उदाहरण को यहाँ पर पूरा लिया है मैंने, उसको हम यहाँ पर करेंगे 20,000 रुपये। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1), यहाँ पर सारी डिटेल खुद आ गई है। तो 10,000 रुपये यहाँ पर देखिएगा, ये 10,000 रुपये की हम यहाँ पर छूट ले सकते हैं। अगर हम ये सारी कैलकुलेशन यहाँ पर सही तरीके से फिल करेंगे तो इस फॉर्म 16 में ऑटोमेटिक यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन आ जाएगी और इस कैलकुलेशन के अनुसार हम इसको, ध्यान रखिएगा सेव ड्राफ्ट हम बीच बीच में करते रहें, और जैसे ही यहाँ पर प्रीव्यू एंड सबमिट बटन को हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमारे पास जिस प्रकार हम ITR भरते हैं वैसा ही एक फॉर्म यहाँ पर आ जाएगा और हमें सेक्शन 89(1) के तहत कितनी छूट मिलेगी। यहाँ पर देखिए रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1) यहाँ पर दिख रहा है 10,000 रुपये, तो हम इस 10,000 रुपये की छूट ले सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान और सरल है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जैसे ही हम यहाँ पर इस फॉर्म को फिल करेंगे और इसको सबमिट करेंगे तो इसके बाद हम इस धनराशि की छूट सेक्शन 89(1) जो हमारा ITR फॉर्म होता है उस ITR फॉर्म के तहत वहाँ भर 89(1) सेक्शन में भरेंगे तो ये छूट हमें मिल सकती है और ये छूट हमें अवश्य लेनी चाहिए। तो शुरू से अंत तक आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है तो आप नीचे वीडियो में कोई कमेंट कर सकते हैं और अगर आपको किसी भी प्रकार की सहायता हो तो मैं तुरंत 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर रहूँगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए पुनः आपका हार्दिक आभार। अगर वीडियो पसंद आए तो अवश्य सबसे पहले इसको नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके सम्मुख दिए गए बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें ताकि आपको इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले मिल सकें। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कोई दिक्कत आए कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट अवश्य करें। आपको किस प्रकार से फॉर्म 10 ही भरा जाएगा और कैसे 89(1) सेक्शन के तहत छूट दी जाएगी इसके बारे में आपको पूरी आपकी सहायता की जाएगी। धन्यवाद।